प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को ज़रूर दबाएं, तभी आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से निर्गमन अध्याय 32 का 1 से 14 वचन लेकर आई हूँ, इसराइली और सोने का बछड़ा। तो चलिए भाइयों बहनों, अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है इस अध्याय में कि यह उस समय की बात है जब मूसा इसराइलियों को मिस्र देश की गुलामी से छुड़ाकर कनान देश की ओर ले जा रहा था। तब मार्ग में एक स्थान पर यहोवा मूसा से सीने पर्वत पर कुछ आज्ञाएं बताने के लिए रुके और मूसा सीने पर्वत पर यहोवा से बातें करने को रुका। तब जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है, तब वे सब लोग हारून के पास इकट्ठे होकर आए, क्योंकि तब हारून भी मूसा के साथ साथ चलता था इसराइलियों की अगुवाई में। जब मूसा सीने पर्वत पर यहोवा से बातें कर रहा था, तब हारून ही इसराइलियों को संभालता था। तब इसलिए सभी इसराइली इकट्ठा होकर हारून के पास आए तथा उससे वहाँ कहने लगे कि अब हमारे लिए एक देवता बना जो अब हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र से छुड़ा के निकाल लाया है, हम नहीं जानते कि क्या हुआ। उनके कहने का तात्पर्य यह था कि जो मूसा उन्हें आगे मार्ग दिखाता था, उन्हें लीड करता था, उनका लीडर बनके, अब उसे पर्वत पर गए ज़्यादा समय हो गया है और वह कहते हैं कि पता नहीं वह कब तक वापस आए, कि उसे क्या हो गया है। इसीलिए उन्होंने वहां हारून से कहा कि वह उनके लिए अन्य देवता बनाकर खड़ा कर दे, अर्थात यह है कि वह यहोवा की आज्ञाओं को, उसके किए उपकारों को जो उन्हें लाल समुद्र से पार ले आया था, उन्हें सबको भूलकर वह अपने लिए अन्य देवता को बनाना चाहते थे। यहाँ यह स्पष्ट होता है कि उनमें विश्वास की घटी थी तथा वह यहोवा के किए हर एक उपकारों को भी स्मरण नहीं रख पा रहे थे कि मार्ग में यहोवा ने उनके लिए बड़े बड़े काम किए। उनके लिए लाल समुद्र को 2 भाग किया, हर दिन उन्हें आकाश से मन्ना खिलाया, परंतु थोड़ी सी देरी उनसे बर्दाश्त नहीं हुई और वह अपने लिए झूठे देवता को बनाने चले। ऐसा ही होता है मेरे प्रियो आज मनुष्यों के जीवन में भी। जब उनके जीवन में थोड़ी सी तकलीफ आ जाती है या थोड़ा कुछ भी उन्हें सहना पड़ता है, तो वह भी इसी तरह कुड़कुड़ाते हैं तथा परमेश्वर को बुरा भला कहने लगते हैं तथा फिर अपने लिए अन्य स्थानों पर उपाय ढूंढने लगते हैं। तब आगे हम देखते हैं कि हारून ने भी उनसे कहा कि तुम्हारी स्त्रियों और बेटे बेटियों के कानों में सोने की जो बालियां हैं उन्हें उतारो और मेरे पास ले आओ। तब सब लोगों ने वैसा ही किया तथा सारा सोना उतार कर इकट्ठा कर हारून को दे दिया। तब हारून ने उस सोने को लेकर एक बछड़ा बना दिया। तब उसे देखकर लोग कहने लगे, हे इसराइली, तेरा ईश्वर जो तुझे मिस्र देश से छुड़ा कर लाया है वह यही है। तब यह सब देखकर हारून ने एक वेदी बनाई और यह प्रचार किया कि कल यहोवा के लिए एक पर्व होगा। और फिर दूसरे दिन लोगों ने उठकर होम बलि चढ़ाई और मेल बलि ले आए और फिर बैठकर खाया पिया और खेलने लगे। हालेलुया। यहाँ ज़रा ध्यान पूर्वक देखें आप कि एक बड़ी गलती हारून ने भी की। उनकी बात को सुनकर उसने उनके लिए झूठी मूर्ति गढ़ दी जो कि यहोवा की दृष्टि में बुराई है, और जबकि वह मूसा के साथ साथ भी रहता था। और यहाँ यह भी स्पष्ट होता है कि उन्होंने सबने मिलकर यहोवा को छोड़ एक दूसरी आराधना करनी शुरू कर दी, झूठे देवता को बनाकर। मेरे प्रियो, यही हो रहा है आज पूरी सृष्टि में। सृष्टिकर्ता को छोड़कर मनुष्य खुद हाथ से बनाई हुई मूर्ति की उपासना करने लग पड़ा है, जबकि सृष्टि की हर एक वस्तु परमेश्वर की रची हुई है। पेड़ पौधे, जीव जंतु, जलचर, भोजन, धूप हवा, सब परमेश्वर ने ही मनुष्य को दिया है। परंतु मनुष्य ने क्या किया, सच्चे परमेश्वर को भूलकर अपने लिए झूठी उपासना का आधार खुद ही बना लिया और सृष्टिकर्ता को छोड़कर वह सृष्टि की उपासना करने लगा, जिसके कारण वह परमेश्वर के कोप को फिर आज देख भी रहा है। ऐसा ही उस समय इसराइलियों ने भी किया
जिस परमेश्वर ने उन्हें फिरौन की गुलामी से आज़ाद किया, उनके लिए मार्ग में उत्तम प्रबंध किया, उनके जूते तक ना घिसने दिए, वही इसराइली थोड़ी सी देरी ना सह सके, वरन मार्ग में ही अपने लिए झूठे देवता को गढ़ यहोवा का स्थान उसे दे दिया, जिसके कारण फिर यहोवा का कोप उन पर भड़का। तब आगे यहोवा ने मूसा से कहा कि नीचे उतर जा, क्योंकि तेरी प्रजा के लोग जिन्हें तू मिस्र देश से लेकर आया है वे बिगड़ गए हैं, और जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा मैंने उनको दी थी उसको उन्होंने छोड़ दिया तथा मार्ग में ही बछड़ा ढाल कर बना लिया है, और अब उसी को दंडवत करके उसी को बलिदान भी चढ़ाया है, और यह भी कहा है कि इसराइलियों यह तुम्हारा ईश्वर है जिसने तुम्हें मिस्र से छुड़ाया है। और यहोवा ने मूसा से यह भी कहा कि ये लोग हठीले हो चुके हैं, अब मुझे मत रोक, मैं उन्हें भस्म करूँगा, परंतु तुझसे मैं एक बड़ी जाति बनाऊँगा। हालेलुया। यहाँ यह स्पष्ट होता है कि इसराइलियों ने यहोवा को क्रोधित किया, उसके उपकारों को भूलकर तथा उसकी महिमा झूठी मूरत को देकर, इसके कारण यहोवा का कोप उन पर भड़का। यही हो रहा है आज भी संसार में मेरे प्रियो, कि मनुष्य परमेश्वर की महिमा झूठी मूर्तों को, झूठी प्रभुता को दे रहे हैं। यह सच्चे परमेश्वर को जानना व मानना ही नहीं चाहते। यदि कोई उन्हें समझाए भी तब भी वह हठीले बनकर पाप को नहीं छोड़ते, झूठी उपासना को नहीं छोड़ते। जिस प्रकार मूसा इसराइलियों को यहोवा के विषय सिखाता भी रहा, परंतु वह फिर भी हठीले बने रहे, मार्ग में ही अपने लिए झूठी मूरत कर यहोवा की महिमा उसे सौंप दी। इसीलिए परमेश्वर का कोप उन पर, उन मनुष्यों पर भड़का, और आज पूरे जगत में भी इसी प्रकार से परमेश्वर का कोप भड़का हुआ है। तब आगे मूसा ने यहोवा परमेश्वर से कहा कि हे यहोवा, तेरा कोप अपनी प्रजा पर क्यों भड़का है, जिसे तू बड़े सामर्थ से मिस्र देश से निकाल लाया। मूसा ने यहोवा से कहा कि मिस्री लोग क्यों कहने पाए कि यहोवा इसराइलियों को पहाड़ों पर घात करने के लिए छुड़ा ले गया है। तू अपने भड़के हुए कोप को शांत कर और अपनी प्रजा की कुछ हानि न करना। तू अपने वायदों को याद कर जो तूने अब्राहम से किए, कि मैं तेरी जाति को, तेरे वंश को आकाश के तारों के तुल्य कर दूंगा। तब इस प्रकार मूसा ने यहोवा की दुहाई दी कि वे अपना कोप शांत कर लें, और फिर यहोवा ने मूसा की प्रार्थना सुनी तथा अपनी प्रजा की फिर कोई हानि ना करी। हालेलुया। अब यहाँ हम कुछ कुछ बातें सीखेंगे व समझेंगे। मेरे प्रियो, अक्सर हम देखते हैं अपने जीवनों में भी, जब हम परमेश्वर को जान लेते हैं या कोई हमें उनके विषय सिखाता है, तब हम उसे सुनते तो हैं, परंतु जहाँ यदि हमारा कोई काम रुक जाता है या हमारे जीवन में कुछ कम सुविधाएं होती हैं, उसी दौरान तब हम अपने बीच मार्ग में ही कुड़कुड़ाने लगते हैं तथा फिर और अन्य अन्य दूसरे स्थानों पर अपने लिए उपाय ढूंढने चले जाते हैं या अन्य प्रभुताओं को पूजने लगते हैं। यह सब भूलकर कि परमेश्वर ने हमें यह जीवन दिया है, वही हमें अब तक संभालता आया है, परंतु हम उसके सभी उपकारों को भूलकर अन्य स्थानों पर दंडवत करने लगते हैं, उसकी महिमा फिर हम दूसरों को देते हैं। इसी कारण हमारे जीवनों में फिर विपत्तियां आती हैं और शैतान का कार्य शुरू हो जाता है, सृष्टि पर परमेश्वर का कोप आता है। याद रखें मेरे प्रियो, यहोवा परमेश्वर अपनी महिमा किसी को नहीं देते, परंतु यह भी स्मरण रखें कि वह दयालु ईश्वर है, वह हम पर अपनी दया करना नहीं छोड़ता। चाहे हम बदल जाएं, परंतु वह कभी नहीं बदलता। यदि हम पछता कर मन फिरा कर उसके पास जाते हैं, तो वह फिर से हमें क्षमा कर अपने गले से लगाता है और अपना क्रोध भी त्याग देता है। जैसे उस घड़ी मूसा ने जब परमेश्वर से इसराइलियों के लिए क्षमा के लिए प्रार्थना की, तो उसने मूसा की दुहाई को सुना और दया कर इसराइलियों को नाश ना किया। यह ऐसी प्रकार होता है एक सच्चा अगुआ मूसा जैसा, जो हमारे जीवनों में भी होना आवश्यक है, जो हमारे लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हमारी कुछ भी हानि ना हो, और हमें सदा ऐसे अपने अगुओं की और अपने लीडर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ना कि सदा उनसे शिकायत कर कुड़कुड़ाते रहना चाहिए। यह ध्यान रखें सदा कि उन्हें प्रभु ने ही आपके लिए अगुए के रूप में रखा है,
ताकि वह आपका परमेश्वर के निमित्त सच्चा मार्गदर्शन कर सके। तो आप भी ध्यान दें इस अध्याय के अनुसार कि यदि आपके जीवनों में किसी भी बात के लिए कुछ देरी हो रही है या आपको किसी विषय के लिए इंतज़ार करना पड़े तो आप धीरज रखें, कुड़कुड़ाए नहीं। शायद परमेश्वर उस घड़ी आपके धीरज के फल को, संयम के फल को ही आप में उत्पन्न कर रहा हो। ऐसा ना हो कि आप धीरज खोकर, सब्र खोकर किसी गलत मार्ग की ओर फिर जाएं, जो आपको फिर नाश कर दे, बजाय उद्धार के मार्ग पर जाने के फिर आप नाश की ओर फिर जाएं। ध्यान रखें मेरे प्रियो कि जिस मार्ग से प्रभु आपको आज ले जा रहे हैं, जिन परिस्थितियों में प्रभु ने अभी आपको स्थिर रखा है, उसी में धन्यवादी बने रहें, उसी में अपने मन को लगाएं, बजाय कुड़कुड़ाने के, ये नहीं है या ऐसा क्यों नहीं है, ऐसा ना कहें। ये सब संसार की भौतिक वस्तुएं हैं, ये तो आपको मिल ही जाएंगी, परंतु आत्मिक शांति तथा जीवन का सच्चा आनंद व उद्धार तो केवल आपको परमेश्वर में धीरज व संयम के साथ बने रहने से ही मिलेगा। ऐसा ना हो कि आप धीरज को खोकर इधर उधर गलत मार्गों में भटक जाएं, झूठी उपासना में पड़ जाएं या गलत ढंग से अपने जीवन की सुविधाओं को पाने की लालसा रखें। यह सब आपको नाश की ओर ले जाएगा, परमेश्वर की कोप की ओर ले जाएगा। बस आप धीरज से उससे प्रार्थना करते रहें, उसके किए सभी उपकारों के लिए सदा धन्यवादी बने रहें और जो वायदे प्रभु ने आपसे किए हैं उसकी बाट जोते रहें। वह निश्चित समय पर उसे अवश्य पूरा करेगा और मार्ग में किसी भी तरह भटके नहीं, किसी झूठी लत में, झूठी उपासना में, घृणित पाप से खुद को व अपने घराने को भी सदा बचा कर रखें। जब परमेश्वर ने आपको शैतान की गुलामी से छुड़ाया है तो वह अवश्य आपको कनान देश अर्थात वायदे के देश में उद्धार में अवश्य पहुँचाएंगे। जैसे यहोवा ने इब्राहिम के वंश को अर्थात इसराइलियों को फिरौन की गुलामी से छुड़ाकर कनान देश पहुँचाने का वायदा किया, परंतु उन्होंने मार्ग में ही अपने लिए मूर्ति खोदकर बना ली तथा अपना उद्धार खो दिया, तो हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना। हमें परमेश्वर के वायदों को सदा थामे रहना है, इधर उधर नहीं भटकना, परमेश्वर के ही बताए हुए मार्ग पर चलना है, धीरज की परीक्षा में सफल होना है, हारना नहीं है। इसराइलियों की तरह जिस परमेश्वर ने हमें अब तक संभाला है, हमारे लिए बड़े बड़े काम किए हैं, वह आगे भी हमें संभालने के योग्य है। इसीलिए परमेश्वर ने इसराइलियों को 11 दिन का मार्ग 40 वर्ष का दिया था, ताकि उनके भीतर धीरज व संयम का फल उत्पन्न हो सके और परमेश्वर उन्हें मार्ग में उत्तम उत्तम बातें सिखा सके। परंतु उनके कुड़कुड़ाने की वजह से, उनकी शिकायतों की वजह से वे वायदे के देश में नहीं पहुंच पाए। केवल उनमें से दो ही लोग, यहोशू और काले भी वायदे के देश में पहुंच पाए। तो मेरे प्रियो, इस अध्याय से आप सीखें कि आप परिस्थितियों में कुड़कुड़ाए ना, शिकायतें ना करें। परमेश्वर ने जिस परिस्थिति में आज आपको रखा है उसके पीछे वह आपके भीतर कुछ फलों को उत्पन्न करने जा रहा है। धीरज, संयम, नम्रता आपको सिखा रहा है, तो पूरी तरह परमेश्वर में समर्पित होके उसके सिखाए हुए, उसके दिखलाए हुए मार्गों पर आत्मिक शांति के साथ चलते रहें। परमेश्वर आपके लिए आप ही उत्तम प्रबंध मार्ग में करेगा, वह आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगा। और किसी भी प्रकार परमेश्वर यहोवा को छोड़ आप झूठी उपासना में ना लगें और ना ही किसी झूठी आराधना को दंडवत करें, यह परमेश्वर की दृष्टि में एक अपराध है। तो ध्यान रखें इस अध्याय के अनुसार कि परमेश्वर भला है, वह आपको कभी नहीं त्यागेगा और वह अपनी महिमा किसी और को नहीं देता, तो आप सारी महिमा केवल परमेश्वर को ही दें। हालेलुया। आशा करती हूँ इन वचनों का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। परमेश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इन्हें सुनकर आशीष पाएं, तो आप दूसरों के साथ भी इन्हें बांट सकते हैं, क्योंकि हमारे परमेश्वर की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।